अब बताएं जी क्या है पहला लेटर। अच्छा जी, लेटर की तरफ आप बाद में जाइएगा, पहले एक तस्वीर है उस पे जरा बहस कर लें, बल्कि वो तस्वीर देख लें जो आपके एक हमसाए ने मुझे अरसाल की है, इनके और नहीं तुम्हारे तुम्हारे अच्छा हमसाए ने मुझे भेजी है, और वो कोई टेम्पर्ड तस्वीर नहीं है, कोई फोटोशॉप तस्वीर नहीं है, अच्छा उसने हल्फन ओरिजिनल कहा है। है कि ओरिजिनल तस्वीर है, और उसने मुझे ये कहा है, साथ मैसेज भेजा है कि ये अजीजी साहब आपको कभी तोतों वाली सरकार और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, परिंदों वाला बाबा, और ये इनके अपने घर के अंदर एक खींची हुई तस्वीर है, वो मैं आपको भेज रहा हूं, वो तस्वीर जरा देखो। अल्लाह खैर करे, दिखाएं जी। ये देखें ये हल्फन ओरिजिनल तस्वीर है। ये किसने दी है तुम्हें? अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखो कौन कौन रहता बहुत अच्छे। अच्छा मैं अब ये फिर मैं बता ही देता हूं कि ये जो दोनों तोते हैं ना जी, हाँ पैरट, जी ये सैन कने और है, हाँ जी ये मुझे इस तोतियों वाली सरकार ने दिए हुए। आप बीच में से ना निकल जाओ। तुम्हें शौक है तो दिए है ना। यार किसको नहीं अच्छे लगते अच्छा बात फूल, है ना? सुनो, ये ऊपर वाला तोता तो आराम से बैठा हुआ है, नीचे वाला तोता तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? वो मुझे कान में कह रहा है कि आइए मियां, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ तोता सर पे तुम्हारे, इसको नीचे उतार दो, कहीं ये ना हो कि तुम्हें फिर टोपी तोड़नी पड़ जाए। लेकिन बहुत क्यूट तस्वीर है अजीज साहब। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मोना इस्लामाबाद से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम मोना सलाम। बेटी, प्यारे जुनैद भाई, नाजिया बाजी और बहुत अजीज अजीजी अच्छा साहब। एक मिनट, ये खत भी तुम बाद में पढ़ना। सरकार आपने पिछले हफ्ते हस्बे डाक में एक पहेली बुझवाई थी, ओ और दुरुस्त जवाब देने वाले के लिए 500 रुपए अपनी जेब खास से अनायत करने का ऐलान भी किया था। मेरा ख्याल है कमो बेश कोई 7-8 हजार जो है लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया, कम से कम 7-8 हजार ठीक लोगों। है, वो मैं तो कहता हूं कि सबको 500-500 भेजो, पहले आगे से मुझे कहता है कि एक ही 500 है इनमें तकसीम करा दे। ये देखो मेरे पे डाल, और मेरा तो कुछ जिक्र ही नहीं था, तुमने कहा था मैं अपनी जेब से दूंगा। लो जी। हाँ ये तो कहा था आपने जी साहब। चलो ठीक है, फिर मेरी जेब से जानी है तो 500 को तकसीम करवाओ 7-8 हजार। ये देने पड़ेंगे, 10-10 पैसे ये देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। मैं ड्रॉ करूंगा, हम कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम निकलेगा उसको 500 रुपया तुम्हें भेजना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं इसका सीरियस बता दूं कि ये हमें बहुत से जो मौसूल हुए हैं जवाब लोगों की तरफ से, उसमें हमने जो सबसे पहला था ना, वो कसूर से थी शमाइला नरगस, उनको हमने 500 रुपया मुबलिग सिक्का राइजुल वक्त भेज दिया है। अच्छा। इतना कंजूस नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। तो जवाब जो है वो फिर बाकियों ने भी बहुत सारों ने दिया है, चूंकि नेट पे भी आ गया था शायद उसमें। ये भी बताओ कि 500 में से तुमने 300 रुपए मुझसे उधार लेके दिए है, जो तुम पर वाजिबुल अदा है अभी। आज पूरी बात बताओ ना। अगर मैं ऐसा कसूर कर ही बैठा तो इसको क्या जरूरत है ये लोचे तर ले। बंदा मच्छी तल लेता है, समोसे तल लेता है, पकौड़े तल लेता है, लोची जरूर तलना होता है। असल जवाब भी बता दो अब। जवाब ये है भाई जी कि ये 270 में 30 जमा नहीं करने, बल्कि 270 में से 20 माइनस करने हैं, बाकी 250 आएगा अगर जो रजिस्टर में दर्ज है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोना जो इस्लामाबाद से जिन्होंने मेल लिखी है, लिख रही हैं, प्यारे जुनैद भाई, नाजिया बाजी और बहुत अजीज अजीजी साहब, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने वोट डालना छोड़ दिया है, क्योंकि हम जिसको भी वोट डालते हैं वो हार जाता है। अब आप कहते हैं कि वोट जरूर दें, तो खुद ही बता दें कि हम किसको वोट डालें। इनको तो वोट जरूर डालना चाहिए। आप, मैं आपको ईमेल कहीं नहीं बताऊंगा किसको वोट डालें ताकि वो तो हारे। सीरियस नोट, मेरा ख्याल है कि इस बात से बालातर होके और इस सोच के हिसार से निकलकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो जीतेगा या हारेगा। अक्सर हम लोग इसलिए नहीं वोट डालते कि यार मेरा उम्मीदवार तो बहुत कमजोर सा उम्मीदवार है, उसने हार जाना है, मैं ना ही वोट डालूं, घर बैठा रहूं। ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच है। नहीं, वोट जरूर डालना चाहिए, अपना हक जो है, अपनी जो सोच है उसका इजहार जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अजीज जी, सरगोधा से जुबैर वड़ाइश लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीज साहब, आपके इर्द गिर्द माशाल्लाह इतना हरा भरा सेट है, एक इंतहाई मुखलिसाना मशवरा देने लगा हूँ जी। अभी से एक बकरी का बच्चा पाल लें, बकरा ईद तक तैयार हो जाएगा।
भाई जी खुदा के वास्ते यहाँ पे ये एंकर साहब लगे हुए, ये पा जिनायत बकरियों वाला नहीं है। कल को आप मशवरा दे देंगे जी, आगे आपके बड़ा अच्छा छोटा सा तालाब है, इसमें डड्डू भी पाल ले। FSA के स्टूडेंट डड्डुओं का ऑपरेशन करते हैं, उनके आगे 5-5 रुपए का डड्डू बेचा करें। कितना बुरा लगेगा एक पेंट कोट और टाई वाला बंदा डड्डू बेचे। सारे काम मुझसे क्यों करवा रहा मशवरा, वो तुम्हें दे रहे। अच्छा जी, जाते जाते मैं हल्की फुल्की मुबारक दे दूं पाकिस्तान के जीतने की 2020। ये चूंकि काफी बिजती के बाद जीते हैं, इसलिए मैंने पंगड़ा नहीं डाला। तो ये था आज का हस्बेहाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।